आइए दोस्तों आज के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं 27 अगस्त 2024 और इसके साथ ही लल्लन टॉप क्वेश्चनों का भी रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून कहाँ लागू किया गया? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो कि ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है 26 अगस्त 2024 को जहाँ से लागू हो चुका है, जिस कंपनी में 15 से अधिक कर्मचारी होंगे वहाँ पर जो है कंपनी के वर्किंग आवर के बाद कर्मचारी से कोई भी काम नहीं करा सकते या फिर कर्मचारी जो है रिप्लाई करने से इनकार भी कर सकता है। इस यह जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून के अंतर्गत आता है और यह जो है ऑस्ट्रेलिया में लागू हो चुका है। मतलब कोई भी कर्मचारी जो कंपनी का कर्मचारी है वो केवल वर्किंग आवर में ही काम करेगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ इस ऑस्ट्रेलिया देश को जो है प्रवासी भूमि का देश कहते हैं और उसे कंगारुओं का देश भी कहते हैं और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ और यहाँ पर यहाँ के घास के मैदानों को डाउन्स घास के मैदान कहते हैं और यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसे सैंडी गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल नाम दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कियोस्को है, माउंट कोसियस्को है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि कॉमनवेल्थ गेम होगा 2026 में कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम टू मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो फ्रेम टू मिशन जो कि स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है और 2024 के अंत तक इसको लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इस फ्रेम टू मिशन को स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से। अगला क्वेश्चन, भारत का 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है? तो अग्निबाण है और किसके द्वारा बनाया गया? तो अग्निकुल रोसकॉसमोस द्वारा बनाया गया है। और पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन था जो कि रूस का अंतरिक्ष यात्री था जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गया था 12 अप्रैल 1961 को। EOS-08 सैटेलाइट जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था किस सैटेलाइट से? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 इस रॉकेट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और मिशन दिव्यास्त्र जो कि MIRE तकनीकी से संबंधित है जो कि मल्टीपल टारगेट को एक ही रॉकेट से हिट करने की तकनीकी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया? तो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो कि इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और यह जो है सिलिकॉन पैनल के जो वर्तमान में सिलिकॉन पैनल जो आते हैं उनकी तुलना में 150 गुना पतला है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट में कमी आएगी है। और यह किस सामग्री से बनाया गया? तो पेरोवस्काइट सामग्री से इसको जो यह सोलर पैनल है फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इसको बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन है? तो रूस में जो तेल आयातक देश कौन से है? तो पहला नंबर पर भारत बन चुका है और दूसरे नंबर पर चाइना था। इससे पहले जो है चाइना सबसे पहले नंबर पर था जो कि रूस से तेल मंगवाता था और अब जो है भारत बन चुका है पहले नंबर पर। और भारत को तेल आपूर्ति करने वाले देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर इराक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है और यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। और रूस में जो है वोल्गा नदी स्थित है जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कहलाती है और रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है। इराक की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बगदाद है और यह जो कि दजला फरात नदी के किनारे स्थित है और इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली शाहीन सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो शाहीन सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जो युद्धों में काम करने वाली मिसाइलें होती हैं उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और शाहीन सेकंड इसका नाम है जो कि सरफेस सतह पर सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसने परीक्षण किसने किया? तो पाकिस्तान ने इसका जो है सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है और पाकिस्तान को जो है नेहरू का देश कहते हैं, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। भारत के पास कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल? तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश भारत के पास 5 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी हाल ही में लद्दाख के 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है जो कि अब वर्तमान में 7 जिले हो चुके हैं। पहले से 2 जिले कौन से? तो लेह कारगिल था, लेह लद्दाख की राजधानी था और कारगिल भी इसका जो है एक जिला था और लेह भी इसका एक जिला था। इसके साथ ही 5 नए जिले बनाए गए हैं जिसका नाम जास्कर, द्रास, समा, नुब्रा और चांगथांग है। जो इस प्रकार कुल 7 जिले हो गए हैं अब लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 यूटियों में विभाजित कर दिया गया था। पहले राज्य था, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो इसका नाम जो है दर्रो, इसका जो नाम है इसे जो है दर्रो की भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क स्थित है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और लोसर फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में कहां पहली बार कोटा हासिल किया? तो 20वें नंबर का एशियन गेम्स जो कि 2026 में होंगे, कहां पर होंगे? तो आईची जापान में होंगे। और इसमें जो है सर्फिंग में जो कि समुद्र की लहरों पर की सवारी करना इस गेम का मुख्य उद्देश्य होता है। और इस गेम में जो है पहली बार भारत ने कोटा हासिल किया है, जो कि कोटा हासिल कहां पर किया? तो मालदीव में आयोजित हुआ था सर्फिंग चैंपियनशिप, और उसमें जो है भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। इसी कारण जो है एशियन गेम्स में जो है सर्फिंग में भारत ने कोटा हासिल कर लिया है। और एशियन गेम 20वें नंबर का है जो कि 2026 में होने वाले हैं। एशियन गेम्स की बात करते हैं तो भारत इसका आयोजन कब कब रहा है? तो 1951 में रहा है, जो कि पहली बार एशियन गेम का आयोजन हुआ था, और पहली बार ही भारत इसका आयोजक रहा है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरी बार 1982 में हुआ था, जो कि भारत 9वें नंबर का आयोजक देश बना था। और यहीं पर जो है अप्पू हाथी जो कि इसका मैस्कॉट रखा गया, शुभंकर की शुरुआत जो है 1982 से ही होती है। 1900 नंबर की बात करते हैं तो यह एशियन गेम्स कहां पर हुआ? तो हांगझाऊ चीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च किया है? तो फोनपे कंपनी जो कि वॉलमार्ट कंपनी का ऐप है, और वह जो है अभी हाल में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा शुरुआत की है। मतलब इसका यह है कि अभी यूपीआई पर भी उपभोक्ता को भुगतान करने के लिए जो है लोन प्रदान किया जाएगा यूपीआई पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हो, हाल में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो लखपति दीदी सम्मेलन जो कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ है, जहाँ पर 11 लाख लखपति दीदी को सर्टिफिकेट दिया गया है। और उसका टारगेट कितना रखा गया था? तो टारगेट 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना इसका टारगेट था, और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाना जो है लखपति दीदी का प्रमुख उद्देश्य है। RRB की बात करते हैं तो रीजनल रूरल बैंक इसके जो है अभी हाल में समीक्षा बैठक कहाँ पर हुई? तो राजस्थान उदयपुर में हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहाड़ी पर वनरोपण करने के लिए अरण्य परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की? तो अरण्य परियोजना जो कि बिहार में शुरुआत की गई है, नवादा गया जगह से इसकी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, BPCL के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ियों पर प्लांटेशन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी हाल ही में जो है मित्रवन योजना कहाँ पर शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई, जो कि नेपाल से लखनऊ वाले जो सभी जिले हैं वहाँ पर प्लांटेशन करना जो है मित्रवन योजना का उद्देश्य था। आइए दोस्तों आज के ललन टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, मसूद पेजेकियस कौन है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ईरान के इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो इब्राहिम रईसी था, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में की मृत्यु हो चुकी थी। रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा जो है स्पाइस अवार्ड दिया गया। किसी को दिया गया? स्वप्ना कलिंगल को दिया गया। हाथरस वगदर जांच कमेटी के हेड कौन बनाए गए? तो जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव जी बने हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेड कौन बनी है? तो एलिसा मांदोजो बने, जो कि मेक्सिको की रहने वाली है। और इसमें जो है भारत को रेगुलर फॉलोअप की श्रेणी में रखा गया है, और तुर्की को जो है ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गिग वर्कर्स बिल जो कि सबसे पहले राजस्थान में आया, अभी वर्तमान में कर्नाटक में भी आ चुका है। और क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार कौन घोषित किया गया है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी को घोषित किया गया है। बागवानी श्रेणी में कृषि नेतृत्व अवार्ड जो कि नागालैंड को दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में कृषि नेतृत्व अवार्ड जो है वह महाराष्ट्र को दिया गया है। संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में जो है आंतरिक अशांति के कारण जो है आपातकाल लगता है, और उसके बाद ही जो है यहाँ पर 25 जून को जो है इसलिए जो है संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 1962 में पहली बार आपातकाल लगा था, चीन ने हम पर अटैक किया था। 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 1975 में आंतरिक शांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो कि पहली बार कहाँ पर हुआ? तो गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन, एग्रीसोर जो कि कृषि स्टार्टअप में सहायता करना, इसको एग्रीसोर को लॉन्च किसने किया? तो नाबार्ड ने लॉन्च किया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को थी, सिवरमन समिति की सिफारिश पर। और इसके वर्तमान के हेड कौन है? तो KV साजी हैं। उसके सबसे पहले हेड कौन थे? तो सिवरमन समिति के जो कि सिफारिश पर किया गया था, तो उसके हेड भी सिवरमन ही थे। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अगला क्वेश्चन, कैर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा जो कि त्रिपुरा में होती है, और विमंडल एकल में पुरुष विजेता कौन बने? तो कार्लोस अलकराज जी बने हैं। अगला क्वेश्चन, कोपा अमेरिका चैंपियन जो कि 2024 में किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है, और कोलंबिया इसका उप विजेता है। और यूरो कप जो कि 2024 में इसका विजेता कौन है? तो स्पेन इसका विजेता है। और ये दोनों कप ही फुटबॉल के कप हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान जो कि इसका पहली बार आयोजन कहाँ पर किया? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था, और दूसरी बार इसका आयोजन जो है प्रयागराज में किया गया है। पॉल कॉगमे जो कि राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रवांडा के राष्ट्रपति हैं, और रवांडा की राजधानी जो है किंगाली है।
अगला क्वेश्चन, 4500 नंबर का अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे कास्पर कहते हैं, इसका वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो साउथ कोरिया में हुआ है, और सिद्ध पोर्टल जो कि कौशल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है इसके डेवलपमेंट करने के लिए। और भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो मॉरिशस में खोला गया, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, और किसके द्वारा खोला गया है? तो एस जयशंकर जी के द्वारा यह खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां नंबर का सदस्य कौन घोषित किया गया? तो कोटर डी आइवर घोषित किया गया। और सॉफ्टवेयर आउटेज की घटना कहाँ पर हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हुई है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो कि ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों का मेजबान पहली बार कौन बनाया गया? तो सऊदी अरेबिया इसका पहली बार मेजबान देश बना है। मिस एआई का ताज किसने जीता? तो केंजा लिली ने जीता है। और इनकम टैक्स डे 25 जुलाई को मनाया जाता है, जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इसके साथ ही एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का दरबार का नाम, राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हाल है इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और 4300 नंबर का विश्व धरोहर कौन है? तो मोइदम है, जो कि असम में जो है अहोम साम्राज्य के सेनापति के कब्रगाह है, उसका नाम मोइदम है, और इसको जो है 43वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। रामलला की पहली डाक टिकट का अनावरण किसने किया? तो एस जयशंकर जी ने किया है। कहाँ पर किया? तो लाओस में किया है। और 2024 का पेरिस ओलंपिक जो कि इसका मैस्कॉट कौन था? तो फ्रेजी, जो कि एक प्रकार की टोपी होती है, फ्रांस की टोपी कहलाती है, फ्रेजी इसको कहते हैं, और यह इसका मैस्कॉट है। विश्व अंतरिक्ष अवार्ड जो कि दिया गया चंद्रयान 3 को। और मंगलापुर जो कि बांग्लादेश में स्थित है, इसका टर्मिनल का संचालन किसके हाथों में आया है? तो भारत के हाथों में आया है। अगला क्वेश्चन, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जो कि उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया, पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। और गांधी मंडेला अवार्ड जो कि 2020 का अवार्ड है किसे दिया गया? रिंगो बर्टा वेंचू को दिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो कि 22 जुलाई को मनाया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित पहले कौन बने? तो अभिनव बिंदा जी बने, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत श्रेणी में। और भूमिगत संग्रहालय जो कि हुमायूं का मकबरा, भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया, जहाँ पर हुमायूं का मकबरा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। और सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा किस कंपनी को दी गई है? तो ध्रुव स्पेस लिमिटेड को दी गई, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। धन्यवाद।